दोस्तों, दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन में तकनीकी खराबी आने से मेट्रो सेवा बाधित हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। येलो लाइन दिल्ली के समय पर बादली को गुरुग्राम के होंडा सिटी सेंटर से जुड़ती है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि छतरपुर में तकनीकी खराबी आने से येलो लाइन पर मेट्रो रेल सेवा प्रभावित हुई है, जिसे सुधारने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि होंडा सिटी सेंटर और सुल्तानपुर के बीच तथा समय पर बादली एवं कुतुब मीनार के बीच ट्रेनों को अस्थायी तौर पर चलाया जा रहा है। सुल्तानपुर और कुतुब मीनार के बीच कोई ट्रेन नहीं चल रही है। डीएमआरसी के अधिकारी ने बताया कि सुल्तानपुर स्टेशन पर ऊपर से जा रही तार के अचानक टूटने की वजह से सुबह 9:32 पर ट्रेन सेवा प्रभावित हो गई। तार टूटने की वजह से खंड में बिजली आपूर्ति रुक गई है। उन्होंने बताया कि यहाँ से गुजर रही दोनों ट्रेनों के यात्रियों को ट्रेन से उतार दिया गया है और छोटी दूरी के लिए मेट्रो ट्रेन चलाकर सेवा को प्रारंभ किया गया। अधिकारियों ने बताया कि येलो लाइन के समय पर बादली और कुतुब मीनार स्टेशन के बीच येलो लाइन की जगह पर अब एक इमरजेंसी लाइन चलाई जा रही है और हर 3 मिनट पर सेवा उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि सुल्तानपुर होंडा सिटी सेंटर के बीच मेट्रो 8 मिनट के अंतराल पर मिल रही है। वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि तार के जुड़ते ही फिर से सभी सेवाएं सामान्य तरीके से शुरू कर दी जाएंगी। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा है कि प्रभावित स्टेशनों पर यात्रियों को समस्या से राहत देने के लिए डीएमआरसी द्वारा फीडर बस सेवा चलाई जा रही है, जिससे कि उन्हें अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचने में आसानी रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा बजाना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।